हेलो यूट्यूब फैमिली, आज है 23 दिसंबर, मतलब जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे होंगे। तो आज मैं आपको इसके म्यूज़िक सिस्टम का रिव्यू देने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ कि कैसा है इसका स्पीकर का साउंड क्वालिटी, या फिर ये जो मीडिया सिस्टम है ये कैसा आउटपुट निकालती है। और मैं आपको बता दूँ कि ये स्टॉक है, जो जैसा कंपनी से आया था वैसा ही है अभी भी। मैंने इसमें किसी तरह की कोई मॉडिफिकेशन नहीं की है, ना ही स्पीकर्स की। स्पीकर्स मैं आपको दिखा देता हूँ, नीचे ये आप देख सकते हैं, ना ही मैंने स्पीकर्स की कोई मॉडिफिकेशन की है और ना ही पीछे मैंने बेस ट्यूब लगा कर रखा है। तो जैसा कंपनी से मुझे मिला था म्यूज़िक सिस्टम स्टॉक, मैंने वैसा ही रखा है। तो आइए मैं आपको पहले एक बार पीछे भी चल कर दिखा देता हूँ बूट स्पेस में कि मैंने बेस ट्यूब रखा है कि नहीं, वरना बहुत से व्यूअर्स ये भी बोलते हैं कि नहीं आपने बेस ट्यूब लगा रखा है, आप बता नहीं रहे। तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि मैंने पीछे बेस ट्यूब लगा रखा है या नहीं। तो आइए चलिए मैं आपको दिखाता हूँ बाहर। तो ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने बेस ट्यूब नहीं लगा कर रखा है, ये मेरा लगेज स्पेस बिल्कुल भी खाली है, किसी तरह की कोई बेस ट्यूब नहीं मैंने लगा के रखा है। और स्पीकर्स सारे जितने भी हैं वो सारे स्टॉक स्पीकर्स हैं। मैं पहले आपको इसके मीडिया सिस्टम की एक छोटी सी ओवरव्यू दे देता हूँ कि कैसे क्या इसमें फंक्शन है। तो ये आप जो देख रहे हैं ये पहला है वॉल्यूम प्लस, इससे हमारा वॉल्यूम प्लस होता है, ये माइनस होता है। इससे आप ट्रैक अप कर सकते हैं, इससे आप ट्रैक डाउन कर सकते हैं। और ये हमारा, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, प्रॉपर नहीं दिख रहा होगा, ये आप देख सकते हैं, ये है रेडियो सेलेक्ट करने के लिए। ये हमारा हो गया मीडिया, ये हो गया सेटअप, ये हो गया चैनल, रेडियो में जो आप चैनल सेलेक्ट करते हो उसके लिए। ये हो गया रेडियो में ऑटो स्टोर चैनल करने के लिए। और ये हमारा हो गया है डिस्प्ले और एंटर मोड का बटन। तो बाकी सब तो ठीक है, बट एक चीज़ मुझे आज तक इसमें कभी भी नहीं समझ आया कि जो आपका FM रेडियो है उसमें जो चैनल हम लोग ऑटो स्टोर करते हैं वो कैसे होता है भाई, वो मुझे आज तक नहीं पता चला। तो अगर आप लोगों को पता हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि रेडियो में कैसे स्टोर करना पड़ता है चैनल को, क्योंकि मैं हमेशा स्कैन करता हूँ उसके बाद ही, जब भी मुझे सुनना रहता है रेडियो तो मैं स्कैनिंग ही करता हूँ हमेशा पहले स्टेशंस की, और उसके बाद नेक्स्ट ट्रैक करके सुनता हूँ। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू है आपके, मैंने दिखाया आपको मीडिया सिस्टम का। और यहाँ नीचे आप देख सकते हैं, तो इस स्पेस में यहाँ पे आपका लग जाता है पेन ड्राइव और ऑक्स केबल, दोनों का जगह यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे अपना पेन ड्राइव लगा सकते हैं और ऑक्स केबल लगा कर भी म्यूज़िक इन्जॉय कर सकते हैं। तो और स्टीयरिंग पे भी कंट्रोल्स हैं इसके, वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। स्टीयरिंग पे आप देख सकते हैं, जैसा कि ये आपको म्यूट का है, मोड का है, मोड से आप अपने सेलेक्ट कर सकते हैं, ब्लूटूथ से अगर सुनना है तो वो, अगर मान लीजिए आपको USB से सुनना है तो वो मोड आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं वॉल्यूम प्लस माइनस, और ये है ट्रैक अप नेक्स्ट। तो आप यहाँ से भी गाड़ी चलाते वक्त भी अगर आप अकेले हो तो आप यहाँ से भी सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो मीडिया सिस्टम का, कोई इशू नहीं है इसमें। और यहाँ पे आपको आपके फ़ोन कॉल्स के सारे कंट्रोल मिलते हैं। ये पहला जो आप देख रहे हो ये ब्लूटूथ सेटअप करने के लिए है, फ़ोन पेयरिंग के लिए मीडिया सिस्टम से। दूसरा जो आप देख रहे हो वो कॉल पिक करने के लिए है, अगर ब्लूटूथ से आपकी फ़ोन कनेक्टेड है कार से। तो आप गाड़ी चलाते वक्त अगर कॉल आती है तो यहाँ स्क्रीन पे आपके जो है वो नंबर शो होने लगता है, नंबर और नाम देखकर आप चाहो तो गाड़ी चलाते वक्त यहाँ से कॉल पिक कर सकते हैं। और पिक हो गया तो आप फिर थर्ड बटन से कॉल एंड भी कर सकते हैं। तो ये इतने सारे कंट्रोल्स जो हैं वो हमारे स्टीयरिंग पे दिए गए हैं म्यूज़िक और कॉल से रिलेटेड। और बाकी चीज़ मैंने आपको म्यूज़िक सिस्टम का यहाँ दिखाई दिया है। नीचे ये हमारा हो गया ऑक्स और USB का पोर्ट है। तो मीडिया सिस्टम में हमें इतने सारे कंट्रोल्स मिलते हैं। तो आइए मैं आपको अब पहले इसकी साउंड क्वालिटी चेक करवा देता हूँ, कैसी आउटपुट है साउंड क्वालिटी की वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अगली फुटेज में आप इसकी साउंड सुनने वाले हैं।
तो भाई ऑडियो की क्वालिटी तो आपने चेक कर ही ली होगी कि ऑडियो कैसा ये स्टॉक म्यूज़िक सिस्टम प्रोड्यूस कर रही है, जबकि मैंने इसमें कुछ भी ऐसा नहीं कर रखा है। जो जैसा कंपनी से मुझे स्टॉक मिला है वैसा ही मैंने रखा हुआ है। चारों स्पीकर्स भी वही हैं, और मैं आपको बता दूं कि ये बलेनो डेल्टा है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें मुझे कोई ट्विटर्स भी नहीं मिलते हैं। जो जीटा में और अल्फ़ा में आते हैं वो मुझे कोई ट्विटर्स यहाँ पर प्रोवाइड नहीं किए गए हैं। तो ये चार स्पीकर के साथ ही ये सिस्टम चल रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर आप पूछिए तो मुझे तो साउंड क्वालिटी बहुत परफेक्ट लगता है, बहुत अच्छा लगता है। जब मैं गाड़ी, ऐसे भी मैं गाड़ी चलाता हूँ तो कभी भी हाई वॉल्यूम पे म्यूज़िक मैं सुनना पसंद नहीं करता हूँ, बहुत मॉडरेट। तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी ये अच्छा है आवाज़। और अगर मान लीजिए आप म्यूज़िक लवर हैं और एक अच्छा म्यूज़िक चाहते हैं तो हो सकता है कि आपको थोड़ा कम लगे इसका बेस, या जो भी आप कह लो उतना आपको आउटपुट अच्छा ही नहीं लगेगा। लेकिन मेरे हिसाब से अगर पूछे तो कंपनी ने जो दिया है बनाकर सिस्टम, तो मेरे लिए मैं इस चीज़ से बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ, इसके म्यूज़िक सिस्टम से बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। क्योंकि म्यूज़िक मैं उतना तेज़ सुनता भी नहीं हूँ गाड़ी चलाते वक्त, मुझे बहुत हल्के आवाज़ में म्यूज़िक सुनना पसंद है। क्योंकि जब आप गाड़ी चलाते रहते हो ना तो आपको अगल बगल भी देखना ज़रूरी रहता है और सुनना ज़रूरी रहता है कि आपके सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है। तो अगर हाई म्यूज़िक पे आप चलोगे ना तो आपको अपने अगल बगल ट्रैफिक कुछ भी नहीं पता चलेगा कि क्या हो रहा है, आप सुन नहीं समझ नहीं पाओगे। इसीलिए मैं म्यूज़िक बहुत हल्के साउंड पे ही प्रेफर करता हूँ। तो यही इसका म्यूज़िक सिस्टम का एक छोटा सा ओवरव्यू है जो मैंने आपको दिखाया है कि कैसा साउंड क्वालिटी देता है और क्या इसके फंक्शंस हैं। बस एक ही फंक्शन जो मैंने आपको बताया कि वो FM रेडियो का जो ऑटो स्टोर फंक्शन है, जो ये आप देख रहे हो ना ES करके यहाँ पे, ये ऑटो स्टोर, ये मुझे आज तक नहीं पता चला कि इसे कैसे मैं ऑटो स्टोर करूँ चैनल्स को। तो अगर प्लीज़ आप लोग को पता है तो कमेंट में नीचे बताइएगा कि कैसे ऑटो स्टोर फंक्शन को यूज़ किया जाता है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता चला। मैंने YouTube पे भी बहुत सारे वीडियोस सर्च किए हैं, बहुत सारे वीडियोस देखे, बट मुझे पता नहीं चल रहा है कि कैसे होता है, या मेरे सिस्टम में कोई डिफेक्ट है तो वो भी मैं क्रॉस चेक एक बार कर लूँगा। प्लीज़ आप लोग बताइएगा कि ये ऑटो स्टोर म्यूज़िक ये FM रेडियो पर के लिए कैसे यूज़ करते हैं इस फंक्शन को। देखो भाई, मैं अब आपको बताता हूँ कि मैंने म्यूज़िक सिस्टम में कभी कुछ अपग्रेड क्यों नहीं किया, या कभी मैंने क्यों बेस क्यूब नहीं लगाया, या फिर मैंने स्पीकर्स कभी क्यों नहीं अपडेट किए। पहली बात तो ये कि देखिए, जो इसका मुझे म्यूज़िक सिस्टम कंपनी से मिला है मैं बिल्कुल उससे सेटिस्फाइड हूँ, उसके आउटपुट से, उसकी साउंड क्वालिटी से बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ, उसके बेस से जो भी मतलब कि आउटपुट है इसका उससे मैं बिल्कुल एकदम सेटिस्फाइड हूँ। दूसरी चीज़ है कि मैं कभी भी हाई वॉल्यूम पे म्यूज़िक नहीं सुनता हूँ जब भी गाड़ी चलाता हूँ, या तो मैं नहीं सुनता हूँ या फिर बहुत ही लो वॉल्यूम पे मैं म्यूज़िक प्रेफर करता हूँ, तो इसीलिए मुझे कभी उसकी ज़रूरत नहीं लगी अपडेट करने की। और तीसरी चीज़ है कि मैं कभी भी गाड़ी से, जो स्टॉक गाड़ी ही मुझे पसंद है, मैं कभी भी गाड़ी से ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करवाता हूँ। बहुत से होते हैं ना भाई कि गाड़ी लेने के बाद बहुत सारा चीज़ अपडेट करते हैं, बहुत कुछ लगवाते हैं, तो मैं वो नहीं करवाता हूँ क्योंकि मुझे वो अच्छा ही नहीं लगता है। जो कंपनी आपको प्रोवाइड करती है आप उसी में चलो तो ज़्यादा आपकी गाड़ी की लाइफ रहती है। और मैंने अभी तक कभी कोई छेड़छाड़ नहीं करवाया गाड़ी से, कभी भी इसके गेट्स कि ये आप जो देख रहे हो ना पैनल्स, ये सब कभी नहीं ओपन करवाया है। तो इसी वजह से मेरे इन गेट्स के पैनल में अभी तक कोई ऐसी आवाज़ नहीं आई है, चाहे मेरे डैशबोर्ड, चाहे गेट्स आगे पीछे चारों डोर्स के भी, कोई कहीं भी आप देख लो तो किसी में भी एज सच कोई इरिटेटिंग नॉइज़ या रैटलिंग नॉइज़ कुछ भी ऐसा नहीं आ रहा है। क्योंकि मैंने कभी कुछ खुलवाया ही नहीं है बाहर से, बहुत कम ही मैं प्रेफर करता हूँ कि बाहर से खुलवाऊँ। तो इसीलिए गाड़ी एज सच जितनी भी स्टॉक गाड़ी रहे वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो कंपनी कुछ आपको देखिए अगर देती है, कंपनी ऐसा रहता तो कंपनी क्यों, अब आप देख सकते हो कि अभी जो नई नई Hyundai Creta या i20 आ रही है, या MG Hector, ये सब देख लो आप, उन सब में देखोगे ना तो बेस ट्यूब लगा के कंपनी अब देती है, क्योंकि वो कंपनी समझ रही है कि हाँ कस्टमर का वो डिमांड है तो कस्टमर को वो अब लगा ही कर दे रही है। बट उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था, इसीलिए कंपनी ने कभी नहीं किया इन सब चीज़ों को इनिशिएट। तो इसीलिए मैं तो यही कहूँगा कि आप जितना भी हो सके इन सब चीज़ों से, फालतू की चीज़ों से बचो, वरना आपकी गाड़ी की लाइफ तो ज़रूर ही कहीं ना कहीं कम होगी। और अब बाद में बहुत प्रॉब्लम आते हैं भाई, मैं आपको बता रहा हूँ ना, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाएंगे आपको। तो मैं तो बिल्कुल भी इन सब चीज़ों को रिकमेंड नहीं करता हूँ। तो आज यही था छोटा सा, मैं एक ओवरव्यू देना चाह रहा था म्यूज़िक सिस्टम के बारे में कि कैसी इसकी आउटपुट है, क्या है क्वालिटी।
तो आज की वीडियो को बस इतना ही रखते हैं। और हाँ, मैं एक चीज़ आपको दिखा रहा हूँ, ये ऊपर आप देख रहे हैं, ये मेरे केबिन में इतनी लाइट सिर्फ एक ये LED लाइट की वजह से, जो कि मैंने अभी आप देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ एक ही जला रखा है। मैं अगर दोनों जलाऊंगा ना तो और भी ज़्यादा लाइट आ जाती है। और मैंने टोटल ये दो आगे हैं लगे हुए, आप एक देख सकते हो, एक और यहाँ, टोटल तीन है। तो मैंने ये जो लगाया था, ये LED था, मैंने खुद से लगाया था। तो अगर आप इस पे वीडियो चाहते हो ना कि मैंने LED लगाया था, कहाँ से लगाया था, कौन सा लगाया था, कैसे लगाया था, तो प्लीज़ कमेंट करना, तो मैं इसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। और मैंने पीछे जो नंबर प्लेट है ना गाड़ी की, उस पर भी लगा रखा है, तो उस पर मैंने अच्छी क्वालिटी का LED लगा रखा है लाइट। तो मैं इन सब चीज़ों को अगली वीडियो में कवर करूंगा, आप लोग कमेंट करना अगर आप लोगों का इस पे वीडियो चाहिए होगा। तो बस भाई, आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आगे और भी ऐसी ही वीडियोस लाता रहूँगा और डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पर। और कुछ टॉपिक्स आप भी सजेस्ट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, आप लोगों को किन टॉपिक पे वीडियो चाहिए इस गाड़ी से रिलेटेड, तो मैं उसकी भी कोशिश करूँगा वैसी वीडियो लाने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।